हेलो गाइस, किनके लिए जरूरी है पैन आधार कॉलिंग करना और किनके लिए नहीं है, तो मैं ये आज आपको बताऊंगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139A1 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को एक स्थायी खाता संख्या पैन आवंटित किया गया है और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित फार्म और तरीके से अपनी आधार नंबर की जानकारी देगा। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्तियों को 31 मार्च 2023 तक लेट फीस पेमेंट के साथ अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा। इसके अलावा आधार पैन लिंक करने की जरूरत उन लोगों को नहीं है जो असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय में रहते हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के रहे हों या भारत के नागरिक नहीं हों, उनको पैन आधार लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। पैन आधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा? आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड होल्डर छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जो पैन कार्ड होल्डर ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए चालू रहेगा, लेकिन 31 मार्च 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आप इन एक्टिव पैन के जरिए ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, आपके पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे। पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती और आपका टैक्स डिडक्शन भी हाई रेट पर होगा। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब टैक्स पेयर 30 जून 2023 तक पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकेंगे। जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की जो डेडलाइन 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। तो गाइज, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपनाfuture.com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ आपको हर तरह की एजुकेशनल, मोटिवेशनल और अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। थैंक्स।